गुड आफ्टरनून हार्दिक जी, सबसे पहला सवाल आपके साथ ले हो गया है। हाँ, रोड ना निकल जाए। एक बार मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ। काम करवा छे जीवा પુરાના કે બીજી વાર મારે મત માંગવા નો આવું પડે એટલે કામ કરવા છે जी। तो ये मेरे पीछे लगा है हार्दिक पटेल का बहुत बड़ा कटआउट और हम हैं विरमगाम के भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में, जो अहमदाबाद से कुछ एक घंटे दूर है, जहां से हार्दिक पटेल बीजेपी टिकट पर लड़ रहे हैं। तो हम उनको कैंपेन ट्रेल में फॉलो करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है कैंपेन पर और शायद अगर उनसे बात हो सके। धूप बहुत है यार। કેમ તે હાર્દિક ભાઈને ગમે થાય પણ જીતાડવાના છે। ફાધર ઇઝ ધ ઓલ્ડેસ્ટ એન્ડ સિનિયર બીજેપી કાર્યકર્તા। બીજેપી મેરી ફેમિલી રહી હે પહેલે સે। ગાંવ ગાંવ ઘૂમ રહે હે આપ હાર્દિકજી, હમ કાફી ગાંવ મે આપકો ફોલો કર રહે હે। ભારતીય જનતા પાર્ટી મે પ્રવેશ પિછલે કુછ મહિનો મે કૈસા રહા હે? યે અચ્છા હે કે જિસ મુદ્દે કે સાથ હમ આયે હે, વિકાસ કા જો મુદ્દા હે वो गांव तक पहुँचे। और पिछले 10 सालों से यहाँ कांग्रेस का विधायक है तो उसके कारण विकास का सूखा पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि विकास हरा भरा रहे। द फर्स्ट प्रायोरिटी द विरमगांव को जिला बनाना है। विरमगांव जिला बनेगा तो जिले के डेवलपमेंट के लिए अनेक फंड्स आएंगे। अगर फंड आएंगे तो हम उसको गाँव तक पहुँचा सकते हैं। फिर यहाँ बहुत सारी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं तो वहाँ पर हमारे यहाँ स्थानीय नौजवानों को रोज़गार मिले। इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग मैदान पे निकले हैं और मुझे ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए जो मैंने पिछले 5 महीनों में जो काम किया तो उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकता हूँ, क्योंकि कम उम्र का उम्मीदवार हूँ पूरे गुजरात में। सर जी, भारतीय जनता पार्टी में आना एक आपका क्यों डिसीजन रहा? फादर इज़ द ओल्डेस्ट एंड सीनियर बीजेपी कार्यकर्ता, हालांकि वो अभी नहीं रहे, लेकिन मेरे पापा यहाँ की ज़मीन के बीजेपी को मजबूत करने वाले मेरे पापा थे। तो द फर्स्ट इज़ आई एम बीजेपी इज़ फैमिलीज। बीजेपी मेरी फैमिली रही है पहले से। समय था, कुछ चेंज होते राजनीतिक जीवन में, लेकिन बेसिकली हिंदुत्व की बात आती है, गुजरात की गौरव और अस्मिता की बात आती है। तो आई एम स्ट्रांग, तो बीजेपी के साथ खड़ा रहूँगा। क्या आपको लगता है कि जिस पार्टी के खिलाफ आपने एक आंदोलन शुरू किया था उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों में शायद थोड़ा सा संकोच आने की संभावना है आपके जो सपोर्टर्स हैं उनमें? देखिए, दो चीज़ समझ लीजिए कि आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होते हैं, विपक्ष के खिलाफ होते हैं आंदोलन। ये तो लोगों के दिमाग में समझने की बात है, सब समझते हैं कि आंदोलन सरकार से होते हैं और सरकार ही उस आंदोलन को पूर्ण करती है। तो हमारा जो आंदोलन था उसने सरकार को पूर्ण किया, फिर राजनीतिक फैसला था। तो लोगों को मुद्दा पसंद होता है, किसी को व्यक्ति से नाराजगी हो सकती है, लेकिन मुद्दा क्या है? तो कि विरमगाम असेंबली का विकास। पिछले 10 साल से ये क्षेत्र कांग्रेस के पास है, तो जब आप कांग्रेस में थे आपको बाधाएं आई इस क्षेत्र के लिए काम करने के लिए? निश्चित रूप से यहाँ पर सिंचाई का पानी जो समय पर मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। यहाँ का जो विधायक है, मैं नहीं विधायक था, विधायक दूसरा है, तो मुझे काम करने में तो कम दिक्कत आएगी ना, विधायक को ज़्यादा आती होगी, क्योंकि उसने जो ज्ञापन देना चाहिए, अर्जियाँ देनी चाहिए, यहाँ के लोगों की शिकायत वहाँ तक पहुँचानी चाहिए, वो काम तो किया नहीं। उसी कारण आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कांग्रेस का कैंडिडेट किसी गाँव में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए भी नहीं जा पा रहा। सिर्फ लिखित आवेदन करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए बोलना पड़ता है, तभी तो असेंबली में विकास पहुंचेगा। अगर आपने ये भी नहीं किया तो यस, तो आप जिम्मेदार हैं। 2017 के चुनाव के बाद एक बात चली थी गुजरात में कि जिग्नेश अल्पेशन है हार्दिक भाजपा पर भारी पड़ गया। आ वक्त शू ते लगे कि ऑपोजिशन एक रणनीति हो? कांग्रेस पार्टी लगातार गुजरात के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने इस गुजरात के गौरव को बढ़ाने का काम किया। ये चुनाव कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उसकी गुजरातियों के खिलाफ की बयानबाजी के कारण यहाँ का गुजराती उनको पसंद नहीं करता। हमने और आपने सब ने देखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने बोला कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार करते, आज हम शपथ लेते। तो ये गुजरात तो भावनात्मक मुद्दों के साथ जुड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे क्या? उनको गुजरात के लोग पसंद करेंगे? कदापि नहीं। जो जिस कांग्रेस ने 370 की धाराओं का विरोध किया था जब हटाई गई, तो क्या गुजरात के लोग हिंदू संस्कृति का खिलाफ करने वाले लोगों का समर्थन करेंगे? कदापि नहीं। क्या ये मुद्दे जो 370 का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, क्या इस पर आपने
पार्टी हाई कमांड से या आपके इमीडिएट सीनियर लीडर से कभी बात करने की कोशिश की थी इस बारे में? अब मुझे उसका क्या फ़ायदा बोलने का, जो हो गया वो हो गया, अब उसकी बात मैं करूँगा, वो मेरा हाई कमांड अब थोड़ी है। बिल्कुल, तो बात ख़त्म, खेल ख़त्म। जी, पाटीदार समाज के कुछ लोगों से हमारी कुछ दिनों में बात हो रही थी, सबका ये कहना था कि हार्दिक पटेल जी के लिए एक विधायक बनने के बाद सबसे पहला मुद्दा जो है वो अनामत के मूवमेंट के वक्त जो भी लोगों पर केसेस लगे हैं वो हटवाना होना चाहिए। फर्स्ट मुझ पर ही 32 लगे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सो डिनाइड। अगर मुझ पर ही 32 लगे हैं तो पहले शुरुआत मुझसे ही होनी चाहिए, तो मैं ही करूँगा ना। गुजरात भी उसी महानता के साथ चला है, चाहे वो सरदार पटेल जी का मामला हो, महात्मा गांधी जी का मामला हो, या उसके बाद मुरारजी देसाई हो, या आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो, या अदानी हो या अंबानी हो, गुजरात ने हर वक्त इस देश को कुछ ना कुछ देने का काम किया है। ये चुनाव गुजरात की अस्मिता और गौरव पे है। अगर गुजरात की अस्मिता और गौरव को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसी कारण गुजरात के 7 करोड़ लोग इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे।